के लिए पहुंचे हैं और ये दृश्य आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना की प्लेटिनम जुबली समापन समारोह कार्यक्रम में। नमस्कार देवियों सज्जनों, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। महोदय, आज आप इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सबके बीच यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं, यह हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर मंच पर गरिमामय उपस्थिति है राजस्थान के राज्यपाल माननीय श्री हरिभाव किशन राव बागड़े जी और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी। आपका भी आप सबके करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन इन विभूतियों का। साथ ही मंच पर विराजमान सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना जी, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार चेयर जुनाम मेघवाल जी, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी और सामने दर्शक दीर्घ में विराजमान आप सभी गणमान्य अतिथियों का विभूतियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर। मैं निवेदन करूंगा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव से कि वे सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय को साफा बांधकर और बुके तथा मेमेंटो भेजकर उनका स्वागत अभिनंदन करें मारवाड़ की इस ऐतिहासिक धरा पर। और इस स्वागत अभिनंदन में आप सबके करतल ध्वनि के माध्यम से आप सभी शामिल हों। राजस्थान तो वैसे भी शौर्य की धरा है, राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा करने और इसके लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों और वीरांगनाओं की ये धरा है और उसी स्वाभिमान की पहचान हमारा राजस्थानी साफा साथ में बुके और मेमेंटो जो कि प्लैटिनम जुबली समापन समारोह की स्मृतियों को सहेजे है अपने भीतर। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। राजस्थान हाईकोर्ट के जज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस चंद्रशेखर जी से निवेदन है माननीय राज्यपाल राजस्थान राज्यपाल महोदय का यहां पर स्वागत अभिनंदन करें, उन्हें भी साफा बुके और मेमेंटो भेंट कर यहां पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें माननीय राज्यपाल महोदय का। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों माननीय श्री हरिभाव किशन राव बागड़े जी और राज्यपाल राजस्थान। यह हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को सहेजे पूरे वर्ष भर के कार्यक्रमों के बाद ये प्लैटिनम जुबली समापन समारोह माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति में यहां आरंभ हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान हाईकोर्ट के जज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पंकज भंडारी से निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का स्वागत करें, उन्हें भी एक साफा बांधकर साफा पहनाकर साथ में बुके और एक स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका भी स्वागत उनका भी अभिनंदन आप सबकी करतल ध्वनि के साथ देवियों से चुनो आप सबकी तालियों के साथ। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जज राजस्थान हाईकोर्ट डॉक्टर जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी जी से निवेदन है सुप्रीम कोर्ट के जज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना जी, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है, उन्हें भी साफा पहनाकर बुके भेंट कर और एक साथ में स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। आप सबके करतल ध्वनि के साथ ये अभिनंदन ये वंदन मारवाड़ की इस धरा पर राजस्थान प्रदेश में जोधपुर के इस नगरी में जो सूर्य नगरी के रूप में विख्यात है। और अब मैं इसके बाद निवेदन करूंगा राजस्थान हाईकोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस दिनेश मेहता से कि वे केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को भी साफा पहनाकर बुके और मेमेंटो भेंट कर उनका भी इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन करें। आप सबके करतल ध्वनि के साथ माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत।
मिस्टर जस्टिस विनीत माथुर जी से निवेदन है, मंच पर आकर राजस्थान हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी को साफा पहनाएं इस मंच पर। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन देवी सचनों। राजस्थान उच्च न्यायालय के 75 वर्षों की जो गौरवशाली यात्रा रही है उससे अनेक रूपों में हमने समेटने का और सहेजने का प्रयास किया है, और इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है राजस्थान उच्च न्यायालय के संग्रहालय की स्थापना के रूप में। मैं इस अवसर पर निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर इस संग्रहालय का उद्घाटन कर अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है, वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन होगा और ये बहुत ही ऐतिहासिक तमाम दस्तावेजों को अपने आप में समेटे, रेयर फोटोग्राफ्स इसमें शामिल हैं, प्रख्यात न्यायविदों की जीवनियां जिसमें शामिल की जाएं, उनके योगदान को प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय में जहां न्याय की प्रक्रिया को बहुत ही सुलभ, सरल और सुगम्य बनाने, ई कोर्ट्स, पेपरलेस कोर्ट्स ऐसी अनेक उपलब्धियों को बहुत ही रोचक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के 75 वर्षों की यात्रा को समर्पित एक स्मारिका का प्रकाशन भी हमने किया है और इसका विमोचन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से। इस स्मारिका में जिसमें तमाम ऐसी स्मृतियों को सहेजा गया है उसका विमोचन माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने करकमलों से करने की कृपा करें। बहुत ही विस्तृत विवरणों के साथ अनेक स्मृतियों को इस सौवनेर में, इस स्मारिका में समाहित किया गया है, उसे शामिल किया गया है आने वाली पीढ़ियों के लिए और हम सब के लिए जो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में रहेगा। इसका विमोचन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। देवियो सचनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के डिजिटल इंडिया से प्रेरणा लेते हुए हमने एक अनूठा आईटी प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसका नाम है त्वरित। त्वरित यानी ट्रांसमिशन ऑफ वारंट एंड समन्स एंड द रिपोर्ट बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देश में त्वरित प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने वाला राजस्थान हाईकोर्ट देश का पहला हाईकोर्ट है। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, रिमोट का बटन दबाकर त्वरित प्रोग्राम का शुभारंभ अपने करकमलों से करने की कृपा करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। देवियों सज्जनों, भारत सरकार के डाक विभाग ने राजस्थान उच्च न्यायालय की प्लैटिनम जुबली को समर्पित एक विशेष कवर स्टाम्प तैयार किया है। मैं माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी से निवेदन करूंगा
कि वे स्पेशल कवर स्टैंप का विमोचन करने की कृपा करें और साथ ही इसकी पहली प्रति माननीय प्रधानमंत्री महोदय को विमोचन के बाद भेंट करने की कृपा करें। इस माध्यम से भी राजस्थान उच्च न्यायालय की जो 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा है उसको आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजने का एक बहुत महत्वपूर्ण जतन इस रूप में हुआ है और ये पहली प्रति कवर स्टैम्प की और इसको विशेष कवर स्टैम्प को इस पहली प्रति को माननीय राज्यपाल महोदय माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय उसे स्वीकार करेंगे आप सबके करतल ध्वनि के साथ देवियों से चुनो आप सबकी तालियों के साथ। ये प्रयास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आने वाले युवाओं के लिए आज के युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरक रूप में प्रेरणा देते रहेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अब मैं निवेदन करूंगा राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। अम्मागढ़ी सादर अभिनंदन वेलकम टू ऑल इन सूर्यनगरी। राजस्थान हाई कोर्ट इज सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इट्स ग्लोरियस जर्नी इन सर्विस ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट रेंडरिंग जस्टिस टू सीकर्स इंक्लूडिंग कॉमन मैन। टू कमेमोरेट दिस जर्नी वेरियस इवेंट्स कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स वेर हेल्ड ऑन 29/8/2023 when this glorious journey entered 75th year. On 29th August, this august institution would be completing its glorious journey of 75 years. Today's concluding ceremony is the culmination of year-long meaningful dialogue, discussion and deliberation on wide range of subjects on core constitutional values and principles, legal aid and access to justice for all, and in particular, women, children, marginalized sections of the society, alternative dispute resolution mechanism, use of technology in judicial process, capacity building and transparency, as also making judicial system transparent and litigant centric. On this momentous occasion, I, on my own behalf and on behalf of all the judges of the Rajasthan High Court, extend warm and heartfelt welcome to Honorable Shri Narendra Modi, Prime Minister of India. Honorable Prime Minister's august presence as the Chief Justice, Chief Guest of this concluding ceremony has made today's event very memorable and historic for not only the people of the state, but the entire legal fraternity of the state. Inspiring presence of Honorable Prime Minister in Platinum Jubilee function of Rajasthan High Court, I'm sure, will motivate the entire judiciary to tread on the path of justice and uphold the rule of law and serve common man. On this momentous occasion, I extend warm welcome to Shri Haribhau Kishan Rao Bagade, Honorable Governor of Rajasthan, who accepted our invitation and graced our function today. I extend warm welcome to Shri Bhajan Lal Sharma, Honorable Chief Minister, Rajasthan, who has always shown his commitment for the judiciary of the state and is gracing this historic moment. I am privileged and honored to extend warm welcome to Honorable Mr. Justice Sanjeev Khanna, Senior Most Judge of the Supreme Court of India and Executive Chairman, National Legal Services Authority. Justice Khanna not only graced the state-level conference on legal aid and access to justice held in the series of Platinum Jubilee celebration, but also a guiding force and source of inspiration to the entire judiciary of the state. I welcome you, sir. I also extend warm welcome to Revered Madam Asha Khanna. I extend warm welcome to Shri Arjun Ram Meghwal, Honorable Law Minister, Government of India, for his gracious presence on this occasion in his own land, his own state. I extend warm welcome to Honorable Mr. Justice Pankaj Mittal, Honorable Mr. Justice Augustine George Massey, and Honorable Mr. Justice Sandeep Mehta, judges of the Supreme Court of India, as also respected
मैडम फॉर देयर ग्रेशियस प्रेजेंस. आई ऑल्सो एक्सटेंड हार्टफेल वेलकम टू ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विजय बिश्नोई, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ऑफ गुवाहाटी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरुण बंसाली, चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट, एंड रेस्पेक्ट मैडम फॉर देयर ग्रेशियस प्रेजेंस इन दिस इन देयर ओन पेरेंट इंस्टीट्यूशन. आई एक्सटेंड वार्म वेलकम टू ऑनरेबल स्पीकर, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर स्टेट ऑफ राजस्थान एंड मेंबर्स ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली. आई एम ऑनर्ड एंड प्रिविलेज टू एक्सटेंड वार्म वेलकम टू मोस्ट रेस्पेक्टेड फॉर्मर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट. व्हाट आई सेड इन द इनॉग्रल सेरेमनी आई वुड रिपीट. इट इज देयर अनवेवरिंग कमिटमेंट एंड रिलेंटलेस सर्विसेज रेंडर्ड टू द हाई कोर्ट इन द पास्ट ईयर्स विच हैज गिवन अस मॉरल अथॉरिटी टू सेलिब्रेट ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 ईयर्स ऑफ दिस ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन. ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर जजेस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट ज्वाइन मी to extend warm welcome to gracious ladies. The bar and bench are the two wheels equal in size and strength to carry ahead the chariot of justice. The pivotal role played by the bar in making Rajasthan High Court a glorious institution is no less than the judges. I extend a very warm welcome to the learned advocate general, additional solicitor generals, senior advocates and members of the bar whose overwhelming presence in thousands is proof of their commitment, collaboration and cooperation towards this august institution. I also extend welcome to all the officers in the administration, police and armed forces, as also academicians, doctors, engineers and members of the civil society. I also welcome all the officers of the registry of the high court, Rajasthan state legal services authority, Rajasthan state judicial academy and all the judicial officers who have come from all parts of the state and present today. However, as we celebrate this historic occasion, it is imperative that we also engage in self-introspection and address the pressing challenges facing the judiciary. The increasing backlog of cases, the need for greater access to justice, and ever-evolving complexities of law are amongst hurdles that demand our attention, suitable plan, and seamless execution. As we celebrate the Platinum Jubilee, we look forward with optimism and resolve to continue with greater zeal, enthusiasm and determination the noble mission of dispensing justice with the same spirit of fairness, impartiality and compassion that has characterized the Rajasthan High Court for the last 75 years. High Court and the judicial institutions are public institutions and are under constitutional obligation to impart justice impartially and fearlessly. Our strength is the confidence reposed on us by the people. As the head of state judiciary, I and all the judges of this institution pledge to serve the cause of justice to the best of our ability. I once again extend very warm welcome to all of you. Thank you all. Jai Bharat, Jai Rajasthan. Bahut bahut aabhaar, mananiya mukhya nyayadhish, Rajasthan Uchch Nyayalay. ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव का उनके स्वागत संबोधन के लिए मैं अब अनुरोध करूंगा केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारी. माननीय मंत्री महोदय, आज राजस्थान उच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस अमृत महोत्सव की पुनीत बेला पर मंच पर उपस्थित भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को सिद्धि में परिवर्तन करने के यज्ञ में दिन रात लगे हमारे यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका इस राजस्थान की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है. सर, हमारे राजस्थान में एक कहावत है और एक दोहा भी है, सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान. ऐसे राजस्थान में आपका स्वागत है, अभिनंदन है.
राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाव कृष्णदास बागड़े साहब और हमारे ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी जो हमारे जज हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा जी और हमारे चीफ जस्टिस राजस्थान हाईकोर्ट के माननीय एमएम श्रीवास्तव जी, अन्य उपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीशगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण, कानून से संबंधित छात्रगण, जनप्रतिनिधिगण, सभी वरिष्ठ अधिकारी, मैं आप सबको इस परिसर में उपस्थित होने के लिए भाव बिना आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हमें विरासत में सर्वोत्तम परंपराएं मिली है जिन्हें हम कायम रखना चाहते हैं और ऐसे समारोह मनाने का ये उद्देश्य भी होता है। इस समारोह में आप सबकी उपस्थिति ने इस समारोह की गरिमा को और बढ़ाया है। आप सबकी उपस्थिति हाईकोर्ट के सदस्यों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगी। मुझे इसमें संदेह नहीं है कि जोधपुर उच्च न्यायालय के 75 वर्ष के अस्तित्व का इतिहास और इससे जुड़े हुए बार के अस्तित्व का इतिहास वो अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में गौरवान्वित करने लायक है। ऐसा कहना बिल्कुल उचित होगा कि बार ने, क्योंकि यहाँ बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी बैठे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारी भी बैठे हैं, बार ने जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में हाईकोर्ट की सहायता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान भी दिया है। ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। राजस्थान के इस हाईकोर्ट का उद्घाटन जयपुर के महामहिम महाराजा सवाई मानसिंह जी द्वारा 29/8/1949 को जोधपुर में किया गया था और उसके 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसलिए अगर हम 75 वर्ष की यात्रा देखें तो इसमें बहुत से न्यायाधीश हैं जिन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है, लेकिन जस्टिस आर एम लोढ़ा वो इसी हाईकोर्ट से निकले और देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। मैं उनका भी यहां स्वागत करता हूं। वो टेक्निकली जस्टिस दलवीर भंडारी जी राजस्थान हाईकोर्ट के नहीं थे, लेकिन इसी शहर से थे, इसी धरती से थे। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश के पद पर रहे, इसलिए मैं उनका भी यहां इस मंच से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ऐसे कई गणमान्य व्यक्तित्व जिन्होंने जोधपुर में वकालत करते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों के चीफ जस्टिस के पद पर कार्य करते हुए भी और भी हैं जिनका भी मैं इस मंच से सबका स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर एक और आपको बधाई देना चाहता हूं। हाईकोर्ट के 75 साल हुए, हमारे संविधान को लागू हुए भी 75 साल हो गए। आधुनिक गणराज्य के रूप में भारत की नींव हमारा गौरवशाली संविधान है जिसकी आधारशिला ही न्याय है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को किसी ने पूछा था कि अगर प्रस्तावना की आत्मा को कहना पड़े तो आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ये हमारे संविधान के प्रस्तावना की आत्मा है। जब उनको पूछा गया कि संविधान की आत्मा का जिक्र करेंगे और उनके लिए कि आप क्या कहेंगे कि कौन सी संविधान की आत्मा है, तो उन्होंने कहा आर्टिकल 32 मैं मानता हूं कि ये संविधान की आत्मा है। ये बाबा साहब का कोट था। ऐसे संविधान जिसके 75 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार हम पूरे देश में मना रहे हैं, हमारा संविधान हमारा सम्मान। एक कार्यक्रम में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल
डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ साहब भी उस कार्यक्रम में थे। आज उनकी तबियत ठीक नहीं होने के कारण यहां उपस्थित नहीं है, लेकिन हम इस मंच के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा नवाचार किया है। स्थानीय भाषा और राज्य की भाषा का भी न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोल होता है, और इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अधिक से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में फैसला उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है, और ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ साहब की पहल है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर भारत का ऐसा पहला हाईकोर्ट था जिसने 1950 में संविधान के आर्टिकल 3482 के तहत अपनी कार्रवाई हिंदी में करना शुरू कर दिया था इन 1950s। उसके बाद 1969 में उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने, फिर 1971 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, और 1972 में बिहार हाईकोर्ट ने हिंदी का प्रयोग शुरू किया था। हम पहले थे देश में इसके लिए भी, जिन्होंने भी यह इनिशिएशन लिया उनको भी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस अवसर पर। सर, जस्टिस की बात संविधान में भी की गई है, न्याय में आसानी प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है ईज ऑफ लिविंग। हम अगर देखेंगे पिछले कई सालों के निर्णयों को तो हम पाएंगे कि ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ावा देकर के प्रधानमंत्री जी ने सिटीजन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्न लीगल सिस्टम इस देश को दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि हमने 1562 ऐसे कानून जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी उनको आपके निर्देशानुसार हमने रद्द कर दिए हैं, रिपील कर दिए हैं। ये कानूनों की संख्या 1562 है। 1 जुलाई 2024 से पुराने हमारे जो औपनिवेशिक काल के जो हमारे क्रिमिनल लॉज थे, भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको भी हमने संशोधित करके भारत की वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप लागू कर दिया है। 1 जुलाई 2024 से अंग्रेजों को, भारत के नागरिकों को दंड देना था, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता लेकर के आए। आदरणीय मोदी जी को भारतीय नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए मोदी जी भारतीय न्याय संहिता लेकर के आए। ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैं इस संबंध में पुनः आप सबको बधाई देता हुआ, अपनी शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और एक 75 साल का जो ये इतिहास है इसमें न्यायतंत्र में जो विश्वास है ये हमेशा बना रहे और बना रहेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ आपको पुनः बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का। देवी सज्जनों, आज के इस प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में मंच पर हम सबके बीच गरिमामय उपस्थिति है। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश और नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना जी की, मैं उनसे निवेदन करूंगा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। Respected Sri Narendra Modi ji, the Prime Minister of India, Sri Haribao Kisan Rao Bagde ji, the Governor of the State of Rajasthan, Sri Bajralal Sharma ji, Chief Minister of Rajasthan, Sri Arjun Ram Meghwal ji, Minister of State, Law and Justice, Sri M.M. Srivastava, Justice Srivastava, Chief Justice of Rajasthan High Court,
brother judges from the Supreme Court of India, sister and brother judges from high courts, retired judges, judicial officers, advocates, and distinguished guests. Namaste and good evening. 75 years ago, on 29th of August 1949, the High Court of Rajasthan was established, just a few months before adoption of our Constitution on 26th November 1949. As we reflect on the journey from time of our freedom fighters to the constitutional visionaries of the present day, we must acknowledge that we are today, as a nation, three or four generations old. The demand of our forefathers laying the foundation of our nation and drafting the Constitution started from the baseline. Democracy as a system of governance places power in the hands of the people. The governments we elect and the laws they enact derive their legitimacy from the choices made by the electorate. To effectuate our common constitutional goals, the four founders enshrined justiciable fundamental rights like the right to equality, the right to life, the freedoms to speech and thought, and association, among others. These rights are the spirit of our Constitution. We Indians respect and take pride in our Constitution. Today, India is a home to the largest young population in the world. More than 65% of our population is below 35 years. Ironically, most of us present here do not belong to this age. Do we understand their aspirations? In my opinion, these young citizens, the torchbearers of our future, seek more than just basic norms and rights. They yearn for good governance. What is the difference between governance and good governance? Governance refers to the processes of governing, the institution and practices through which the issues of common concern are decided upon and regulated. Good governance adds a normative and evaluative attribute to the process of governing. As per United Nations Economics and Social Commission for Asia and Pacific, good governance has 8 major characteristics. These are participatory, consensus orientation, accountable, transparency, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive, and follow the rules of law. To this, I'll add one more, ability to take hard and right decisions. Consequently, the key difference between governance and good governance lies in the quality of outcome of governance. Good governance minimizes and eradicates corruption. All branches of government, including judiciary, share this common mission to provide good governance. This objective is achieved by enacting good and compliable laws, their effective and fair execution, and an independent and impartial judiciary which interprets the law as the will of the people and adjudicates disputes, fulfilling the constitutional role and objective. Should the judiciary be tested on the parameters and scales of good governance? My answer to that is yes, and it requires further effort on our part, because judiciary is required to be just, fair and equitable. Their decisions, though examining various perspectives, should not discard harmonious coherence and certainty. We have to maintain a right balance between consistency and change. The judges must mitigate against the impact of personal biases and insulate their decisions from any undue sway of collective and external pressures. The judicial process should be easily accessible
to common persons. It should be inexpensive and not burdensome. Court should be citizen friendly and litigant driven. Decisions must be rendered without any delay, and the judgments should be simple so that they are understood by the litigants and general public. As an executive chairperson of the National Legal Services Authority, NALSA, I'd like to take this opportunity to show cause and share with you another aspect of judicial attempt to provide good governance. The vision of NALSA is an inclusive legal system providing fair, free, fair and competent legal representation in the courts of law. Beside this, there are four other equally important objects and goals for an inclusive vision of NALSA. These are disseminating legal literacy and awareness, providing assistance to bridge the gap between socio-economic welfare schemes and actual realization of benefits of such schemes, enacting and implementing strategic schemes for the vulnerable in our society, providing quick, cheap, effective resolution of disputes through alternate dispute resolution mechanisms. Today, NALSA provides largest coverage of legal aid in the world, as nearly 80% of our 1.4 billion citizens are eligible for free legal aid. The number of legal aid beneficiaries have quadrupled in 7 years, going from 3 lakhs in 2015-16 to 12 lakhs in 2022-23. Today, the figure should be touching about 17 lakhs. NALSA has enrolled about 49,000 advocates on its panel. The legal aid force is also bolstered by 42,446 paralegal volunteers, out of which 17,506 are women, comprising of 41% of paralegal volunteers. We have set up 11,800 legal services clinics, out of which 1,196 clinics have been set up in the jails. About 400 clinics have been set up in juvenile justice centers. NALSA has also developed strategic schemes like victim compensation scheme, targeted towards empowering some of the vulnerable sections of our society. In 2023, a substantial sum of 308 crores has been paid under different compensation schemes. We have promoted alternate dispute resolution mechanisms like Lok Adalat and mediation for fast, quick and mutually acceptable resolution of disputes in place of adversarial adjudication. In the past 6 years, more than 17 crore cases have been disposed of by Lok Adalats. Between 2016 to 2022, pan-India, 11 lakh cases have been settled through mediation. I am also happy to state that State of Rajasthan has pioneered the concept of open jails for prisoners, representing a bold and forward-thinking approach towards prison reforms. These open prisons are helping individuals in conflict with the law to rediscover their place in the society. Out of around 6,000 convict prisoners, Rajasthan proudly hosts 1,400 prisoners in conflict with law in 23 such camps or open-air jails. Rajasthan also has the highest number of pro bono lawyers in the country. 1,198 lawyers have enlisted themselves to provide pro bono services to those in need. Let us work towards a society where governance and fundamental rights are not seen as opposing forces, but are partners in pursuit of progressive, strong, as well as just, equitable, and harmonious India. This is a vision we must all commit to, where governance truly serves the people, where the well-being of others and the society and every individual are protected and cherished. Thank you, and Jai Hind. बहुत बहुत आभार ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना जी, ऑनरेबल जज
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का उनके संबोधन के लिए। और अब मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भारत माता की। बारिश है थोड़ा सा, इंद्र भगवान भी अच्छे काम के लिए मदद करता है, एक बार जोर से, भारत माता की। आज के इस जोधपुर उच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने पर प्लेटिनियम जुबली के समारोह में दुनिया के सबसे बड़े नेता, देश के यशस्वी और कर्मशील प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, एक बार मैं आपसे कहूंगा कि राजस्थान के इस धरती पर जोरदार तालियों के साथ आप सभी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना जी, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी न्यायाधीश महोदय एवं अधिवक्ताओं का प्रदेश की इस भूमि पर अतिथि सत्कार परंपरा के अनुसार समस्त प्रदेशवासियों की ओर से मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी के लिए हर्ष और आनंद का विषय है कि हम सभी यहाँ उच्च न्यायालय के प्लेटिनियम जुबली समारोह में एकत्रित हुए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय का यह स्वर्णिम इतिहास रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय का नाम उन 9 उच्च न्यायालयों में गर्व के साथ लिया जाता है जिन्होंने देश में आपातकाल के दौरान भी न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करने का काम किया था। जब आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा था, तब इस न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दे सके। ये निर्णय इस बात का प्रमाण है कि न्यायालय ने हमेशा कानून का शासन का सम्मान किया है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहा है। 1949 में इसके शुभारंभ के बाद यहाँ के कई माननीय न्यायमूर्तियों ने सर्वोच्च न्यायालय में बतौर न्यायाधीश सेवाएं भी दी हैं। यह इस न्यायालय के लिए गौरव की बात है कि ऐसे न्यायविदों ने यहाँ से शुरुआत की और देश के न्यायपालिका में उच्च स्थानों तक पहुँचे। राजस्थान में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एक टीम की तरह काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि लोक अदालतों में प्रदेश सरकार और न्यायपालिका ने अच्छा काम किया है। इसकी वजह से ढेरों मामले आपसी समझाइश से सुलझे हैं और उन लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से निजात भी मिली है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने त्वरित कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बरसों पुराने कानूनों को खत्म करके करने, नए कानूनों से प्रक्रिया को आसान बनाने और नियमों के सरलीकरण जैसे काम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आधुनिकीकरण, डिजिटलाइजेशन और सरलीकरण पर जोर दिया है, क्योंकि कोई भी संस्था या ऑफिस यह कितना भी महत्वपूर्ण है, इसके बिना जनता का विश्वास नहीं जीत सकती। सरलीकरण के उदाहरण के तौर पर जन विश्वास अधिनियम 2023 को लिया जा सकता है, जिसमें 42 केंद्रीय कानूनों में से
183 प्रावधानों को अपराध मुक्त करके व्यापार करने में आसानी लाने के लिए बनाया गया है। इस तरह के कदम से आम जन का विश्वास बढ़ता है और व्यवस्था अधिक प्रभावशाली तथा पारदर्शी भी होती है। आधुनिकीकरण के लिए हम एक उदाहरण के तौर पर मिशन कर्मयोगी देख सकते हैं। ये देखने में आता है कि कई बार अधिकारियों को कानूनों की जानकारी नहीं होती, मामला अदालतों में चला जाता है। इस समस्या के समाधान को मिशन कर्मयोग के माध्यम से हल किया जा सकता है। जहां ऐसे कोर्स हैं जिनके माध्यम से अधिकारी वर्ग को कानूनों के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है, राजस्थान में हमने मिशन कर्मयोगी में बहुत गंभीरता के साथ काम किया है, क्योंकि मिशन कर्मयोगी के माध्यम से अधिकारियों को कानून संबंधी विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिल रहा है। राजस्थान राज्य से मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगोट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 5,30,000 से अधिक कार्मिक पंजीकृत हैं और राजस्थान सरकार के 2,35,000 से अधिक कार्मिकों द्वारा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया गया है। राजस्थान देश का ये पहला राज्य है जहां 5,00,000 से अधिक कार्मिक पंजीकृत हैं और हम देश के किसी अन्य राज्यों से काफी आगे भी हैं। हमने डिजिटल इनिशिएटिव के लिए जो लॉन्च होते हुए देखा है, डिजिटलाइजेशन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए हमने भी राजस्व मामलों में डिजिटलाइजेशन में नवाचार किए हैं। प्रदेश में नामांतरण प्रक्रिया को सरल करने और समय पर लोगों को सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए नामांतरण को ऑनलाइन और पेपरलेस करने का काम किया है। साथ ही खातेदारों की कृषि भूमि के आपसी सहमति से विभाजन की संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। बजट में हमने अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु बार काउंसिल को एक बारीय सहायता के रूप में 7,50,00,000 रुपए देने की घोषणा भी हमने की है। इन 75 वर्षों में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनगिनत महत्वपूर्ण फैसलों के माध्यम से देश और राज्य की न्यायिक प्रक्रिया को समृद्ध किया है। यह न्यायालय हमारे संविधान के मूल्यों न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सच्चा प्रहरी बना हुआ है। कोई भी समाज आधुनिक, विकसित एवं सौहार्दपूर्ण तभी बन सकता है जब वे अपने लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे। अंत में मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी सदस्यों को उनके समर्पण, ईमानदारी, कठिन परिश्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। हम सब मिलकर न्याय की इस यात्रा को और आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का। देवियों सज्जनों, स्वतंत्र भारत के अमृतकाल में देश को विरासत के साथ विकास का विजन देने वाले, गुलामी के प्रतीकों से मुक्त होकर स्वाभिमान के भाव के साथ आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भर भारत का प्रण है जिनका, ऐसे विकसित भारत के शिल्पकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आप सबकी करतल ध्वनि के साथ निवेदन है कि वे इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें, अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल श्री हरुभाव कृष्णराव बागड़े जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, जस्टिस श्री संजीव खन्ना जी, देश के कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी, अन्य सभी ऑनरेबल जजेज,
न्याय जगत के सभी महानुभाव उपस्थित, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे यहां पहुंचने में 10 मिनट करीब करीब मैं लेट हो गया था क्योंकि मैं महाराष्ट्र से निकला लेकिन वेदर के कारण समय पर नहीं पहुंच पाया और इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि मैं आज राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबिली समारोह में आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला है। राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष ऐसे समय में हुए हैं जब हमारा संविधान भी 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इसलिए ये अनेक महान लोगों की न्याय निष्ठा और योगदानों को सेलिब्रेट करने का उत्सव भी है। ये संविधान के प्रति हमारी आस्था का उदाहरण भी है। मैं आप सभी न्यायविदों को, राजस्थान के लोगों को इस अवसर पर बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास भी जुड़ा है। आप सब जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर देश को एक सूत्र में पिरोया था, उसमें राजस्थान की भी कई रियासतें थी। जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसी कई रियासतों के अपने हाईकोर्ट भी थे। इनके इंटीग्रेशन से राजस्थान हाईकोर्ट अस्तित्व में आया, यानी राष्ट्रीय एकता ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का भी फाउंडेशन स्टोन है। ये फाउंडिंग स्टोन जितना मजबूत होगा, हमारा देश और देश की व्यवस्थाएं भी उतनी ही मजबूत होगी। साथियों, मेरा मानना है न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती हैं। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्याय को ज्यादा से ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाएं। और मुझे संतोष है कि देश ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए हैं। हमने पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके सैकड़ों कॉलोनियल कानूनों को रद्द किया है। आजादी के इतने दशक बाद गुलामी की मानसिकता से उभरते हुए देश ने इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता को एडॉप्ट किया है। दंड की जगह न्याय,
ये भारतीय चिंतन का आधार भी है। भारतीय न्याय संहिता इस मानवीय चिंतन को आगे बढ़ाती है। भारतीय न्याय संहिता हमारे लोकतंत्र को कॉलोनियल माइंडसेट से आजाद कराती है। न्याय संहिता की ये मूल भावना ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बने, ये दायित्व अब हम सभी के सामने है। साथियों, बीते एक दशक में हमारा देश तेजी से बदला है। कभी हम 10 साल पहले 10वें पायदान से ऊपर उठकर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। आज देश के सपने भी बड़े हैं, देशवासियों की आकांक्षाएं भी बड़ी हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम नए भारत के हिसाब से नए इनोवेशन करें और अपनी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाएं। ये जस्टिस फॉर ऑल इसके लिए भी उतना ही जरूरी है। हम देख रहे हैं क्या टेक्नोलॉजी हमारे जुडिशियल सिस्टम में इतना अहम रोल निभा रही है। आईटी रिवॉल्यूशन से कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। हमारा ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज देश में 18,000 से ज्यादा कोर्ट्स कंप्यूटराइज हो चुकी है। मुझे बताया गया है कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से 26 करोड़ से ज्यादा मुकदमों की जानकारी एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुकी है। आज पूरे देश की 3,000 से ज्यादा कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस और 1,200 से ज्यादा जेलें वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ गई हैं। और मुझे खुशी है कि राजस्थान भी इस दिशा में काफी तेज गति से काम कर रहा है। यहां सैकड़ों अदालतें कंप्यूटराइज हो चुकी है। पेपरलेस कोर्ट्स, ई फाइलिंग, समन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, वर्चुअल हियरिंग की व्यवस्था, ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है। हम एक सामान्य नागरिक के दृष्टिकोण से सोचें तो दशकों से हमारे यहां कोर्ट के आगे चक्कर शब्द, कोई बुरा मत मानना, चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया था। कोर्ट का चक्कर, मुकदमे का चक्कर, यानी एक ऐसा चक्कर जिसमें फंस गए तो कब निकलेंगे कुछ पता नहीं। आज दशकों बाद उस सामान्य नागरिक की पीड़ा को खत्म करने, उस चक्कर को खत्म करने के लिए देश ने प्रभावी कदम उठाए हैं। इससे न्याय को लेकर नई उम्मीद जगी है। इस उम्मीद को हमें बनाए रखना है, लगातार अपनी न्यायिक व्यवस्था में रिफॉर्म करते चलना है। साथियों, बीते कई कार्यक्रमों में आप सबके बीच मैंने लगातार
मीडिएशन की सदियों पुरानी हमारी व्यवस्था का जिक्र किया है। आज देश में कम खर्चीले और त्वरित निर्णयों के लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म बहुत अहम रास्ता बन रहा है। वैकल्पिक डिस्प्यूट मैकेनिज्म की यह व्यवस्था देश में ईज ऑफ लिविंग के साथ ही ईज ऑफ जस्टिस को भी बढ़ावा देगी। कानूनों में बदलाव करके, नए प्रावधान जोड़कर सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। न्यायपालिका के सहयोग से ये व्यवस्थाएं और ज्यादा सशक्त होगी। साथियों, हमारी न्यायपालिका ने निरंतर राष्ट्रीय विषयों पर सजगता और सक्रियता की नैतिक जिम्मेदारी निभाई है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का देश के संवैधानिक एकीकरण का उदाहरण हमारे सामने है। सीएए जैसे मानवीय कानून का उदाहरण हमारे सामने है। ऐसे मुद्दों पर राष्ट्रहित में स्वाभाविक न्याय क्या कहता है, ये हमारी अदालतों के निर्णयों से पूरी तरह से स्पष्ट होता रहा है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्यायपालिका ने अनेकों बार ऐसे विषयों पर राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के संकल्प को सशक्त किया है। जैसे आपको ध्यान होगा, अभी इसी 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सेक्युलर सिविल कोड की बात की है। इस मुद्दे पर भले ही कोई सरकार पहली बार इतनी मुखर हुई हो, लेकिन हमारी जुडिशरी दशकों से इसकी वकालत करती आई है। राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर न्यायपालिका का यह स्पष्ट रुख न्यायपालिका पर देशवासियों में भरोसा और बढ़ाएगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को आगे ले जाने में जो शब्द बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है वो है इंटीग्रेशन। ट्रांसपोर्ट के मोड्स का इंटीग्रेशन, डेटा का इंटीग्रेशन, हेल्थ सिस्टम का इंटीग्रेशन। हमारा विजन है कि देश के जो भी आईटी सिस्टम अलग अलग काम कर रहे हैं उन सभी का इंटीग्रेशन हो। पुलिस, फॉरेंसिक्स, प्रोसेस सर्विस मैकेनिज्म और सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक सभी एक साथ जुड़कर काम करें। आज राजस्थान की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इस इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। मैं आप सभी को इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के भारत में गरीब के सशक्तिकरण का ट्राइड एंड ट्रस्टेड फॉर्मूला बन रहा है। पिछले 10 वर्षों में इसे लेकर कई ग्लोबल एजेंसीज और संस्थाओं ने भारत की भरपूर तारीफ की है। डीबीटी से लेकर यूपीआई तक कई क्षेत्रों में भारत का काम एक ग्लोबल मॉडल बनकर उभरा है। अपने उसी अनुभव को हमें जस्टिस सिस्टम में भी इंप्लीमेंट करना है। इस दिशा में
टेक्नोलॉजी और अपनी भाषा में लीगल डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस, ये गरीब के सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम बनेगा। सरकार इसके लिए दिशा नाम के इनोवेटिव सॉल्यूशन को भी बढ़ावा दे रही है। हमारे लॉ स्टूडेंट्स और अन्य लीगल एक्सपर्ट्स इस अभियान में हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा देश में स्थानीय भाषाओं में लीगल डॉक्यूमेंट्स और जजमेंट्स लोगों को मिल सके, इसके लिए भी काम होने हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी शुरुआत की है। सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में एक सॉफ्टवेयर बना है जिसे जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स 18 भाषाओं में ट्रांसलेट हो सकते हैं। मैं ऐसे सभी प्रयासों के लिए हमारी जुडिशरी की भी सराहना करता हूं। साथियों, मुझे विश्वास है हमारी कोर्ट्स ईज ऑफ जस्टिस को इसी तरह सर्वोच्च प्राथमिकता देती रहेगी। हम जिस विकसित भारत का स्वप्न लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हर किसी के लिए सरल, सुलभ और सहज न्याय की गारंटी हो, ये बहुत जरूरी है। इसी आशा के साथ आप सभी को एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट की प्लेटिनम जुबली की मैं हार्दिक बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए। एक बार आइए खड़े होकर हम आभार व्यक्त करें करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। उनका विजन, उनकी दृष्टि और उनके प्रयास इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, उनके संबोधन के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए और उनके उस नेतृत्व के लिए भी जो इस देश को मिल रहा है इस अमृतकाल में। और ये देश निरंतर प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर यहाँ हम सबके बीच गरिमामयी उपस्थिति रही माननीय राज्यपाल श्री हरिभाव किशन राव बागड़े जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, साथ ही आभार ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का भी बहुत बहुत आभार। और यहाँ दर्शक दीर्घा में बैठी वो तमाम विभूतियाँ जो 75 वर्षों के इस यात्रा के हिस्सेदार रही हैं, भागीदार रही हैं।